पीछे थे, देखो वो काम चल रहा है उधर की थर्ड में, और यहाँ तक ये यमुना रिवर स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो आप लोगों को इधर का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये देख सकते हो ये कितने बैल फाउंडेशन इन्होंने बनाए हैं। तो अभी बहुत सारे बैल फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं और काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, दो तीन पिलर इन्होंने बना भी दिए हैं दोस्तों। तो चलते हैं और आप लोग फाउंडेशन बना के उसके अंदर से मिट्टी को निकाला जाता है और फिर इसको बैल फाउंडेशन को नीचे धसा दिया जाता है ज़मीन में, तब जाकर ये मजबूत होता है दोस्तों। देखो किस तरीके से यह मजबूत होता है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो देखो, अब ये छोड़ेंगे यहाँ पर इसको, देख सकते हो आप लोग इसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। देखो इस तरीके से ये काम करता है बैल फाउंडेशन, मिट्टी निकालते हैं अंदर से, देखो पूरा खोल दिया है। खोल देने के बाद में देखो ये फिर डाला जाएगा इसके अंदर दोस्तों। देखो अब लगा सकते हो कि कितने हैवी हैवी हैं ये, जो इसके अंदर से ये मिट्टी निकालते हैं फिर इसको धसाया जाएगा अंदर, है ना। इसको धसाने के बाद में तो इसमें पता कैसे चलता है कि ये कब जाके यहाँ रुक जाता है? कुंडी नापा जाता है, रस्सी से नापा जाता है। अच्छा, रस्सी से नापा जाता है। जब ये वहाँ पर रुक जाता है तो फिर रोक के फिर इसका पिलर का अंदर से वो बनाते हैं फाउंडेशन, तब पिलर ऊपर खड़ा करते हैं, ऐसा ही है ना। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? वैशाली का, वैशाली यानी कि इलाहाबाद, पटना। अच्छा पटना, अच्छा वैशाली में भी पटना है वो, वैशाली में भी क्या नाम है, बिहार में भी है वैशाली, एक कुछ में है बनारस। तो इसमें जैसे ये इन्होंने ये बना रखे हैं, ये 3200 मीटर 30 मीटर, तो इसी तरीके से ये बनाते हैं। तो ये अंदर अभी बैठेगा और कि नहीं, जैसे जैसे इसके खुदाई होता रहता है वैसे वैसे ये बैठता रहता अंदर। तो इस पर प्रेशर डाला जाएगा या अपना आप बैठ जाएगा? पानी फेंक जाएगा मोटर से। अच्छा तो चलो तो आओ वहाँ तक। तो ये देखो इस तरीके से ये बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है गाइस वो है यमुना रिवर DND। ये देखो ये DND जा रहा है, देख सकते हो, ये DND का पार्ट है दोस्तों। और इसके बगल में ही यहाँ पर ये वर्क किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है बैल फाउंडेशन, और बैल फाउंडेशन बना के फिर इसमें पिलर बनाया जाता है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, कुछ यही नज़ारे हैं यहाँ के जो बनाया जाता है। देखो कुछ ऐसा ये बैल फाउंडेशन बनाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसको धसा दिया जाता है, देखो अब इसको बड़ा किया जा रहा है। इसको बड़ा कर देने के बाद में दोस्तों फिर इसमें देखो किस तरीके से इन्होंने पिलर बनाया है, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सीन है ये DND फ्लाईवे का है, देखो ये भैंस पो चुग रहे हैं यहाँ पर, तो वो तो है आपको बता दूँ। और ये है देख सकते हो दोस्तों कि ये बनाया जा रहा है किसका, ये रैपिड रेल के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों यमुना रिवर के ऊपर, ठीक है। देखो अब इसमें इन्होंने जो बना दिया है वो इधर का है, तो आप लोगों को आगे दिखाते हैं चल के कि आगे क्या वर्क चल रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर जो बनाया जाता है फाउंडेशन, ठीक है। तो इस पर पिलर का ये सारा स्ट्रक्चर है, ये पिलर का देख सकते हैं, ये पिलर बनाया जाएगा इसमें। तो इस पर अभी चल रहा है वर्क इस टाइम पे, ठीक है। तो इस पर बैल फाउंडेशन बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीरें। तब इस पर फाउंडेशन बना के अब इस पर पिलर खड़ा कर दिया जाएगा, है ना, जैसा वो किया गया उधर
उसी तरीके से। तो यहाँ पर ये पूरा बैठ चुका है दोस्तों, और बैठने के बाद में अब इस पर देखो फाउंडेशन बनाएंगे और फिर इस पर ये तरीके से वो पिलर जो है वो खड़ा कर दिया जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो कुछ ये सीन है यहाँ का। तो ये अभी इसमें 2025 में बन के ये कम्प्लीट हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि और हिस्सा सारा बन के कम्प्लीट हो गया, बस जो यमुना रिवर का है वही बचा हुआ है। तो इसमें अभी बहुत टाइम लग जाएगा बनने में, कि सबसे ज़्यादा टाइम यहीं लग रहा है यमुना रिवर पे ही। और यमुना रिवर पे ये ब्रिज बन जाने के बाद में फिर ये हमारे दिल्ली के सराय खाले खां से लेकर और मेरठ तक बिल्कुल खोल दिया जाएगा दोस्तों। तो कुछ ऐसा देखो इन्होंने फाउंडेशन बना के और ये पिलर का पिलर खड़ा कर दिया है। ये देख सकते हो तस्वीरें, ये फाउंडेशन बना दिया और फाउंडेशन बना के फिर ये पिलर खड़ा कर दिया। कुछ इस तरीके से ये पिलर खड़ा कर दिया जाता है दोस्तों। तो बस यही सीन है सारा, ठीक है। जो काम चल रहा है वो यही चल रहा है यहाँ तक, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है दोस्तों सारे में, ठीक है। तो किस तरीके से ये बनता है, किस तरीके से नहीं बनता है, वो सब कुछ आप लोग इस वीडियो में देख लो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इधर ये यमुना रिवर आ जाती है सारे में, देखो ये यमुना रिवर है जो इसके ऊपर बनाया जा रहा है ये ब्रिज दोस्तों। तो ये भी पिलर इन्होंने बना दिया है पूरा, ठीक है। ये भी पिलर बन गया है, देखो कुछ इस तरीके से ये बनाते हैं फाउंडेशन, और ये पिलर बिल्कुल बन गया। और वो है यमुना रिवर बह रही है, तो यही अभी 4-5 बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या पिलर बना दिए, ये 3-4 पिलर बन चुके हैं यमुना के ऊपर दोस्तों। और यमुना के ऊपर ये पिलर किस तरीके से बनाए जा रहे हैं देख सकते हो, साथ साथ में ये पियर कैप का काम भी किया जा रहा है। और पियर कैप देखो किस तरीके से बनाया जाता है वो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बड़ी मुश्किलों में दोस्तों मैं ग्राउंड लेवल की आप लोगों को अपडेट देता हूँ, बहुत ही मुश्किल भरा होता है, आपको बता नहीं सकता मैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पिलर का फाउंडेशन बना के ये पिलर बना दिया है, पिलर का फिर ये पियर कैप बनाया जा रहा है कुछ इस तरीके से देख सकते। और पीछे ये यमुना रिवर बह रही है दोस्तों, तो इन्होंने यहाँ से इनमें पाइप डाल दिए हैं नीचे से, और नीचे पाइप डाल देने के बाद में दोस्तों ये पानी इधर की साइड में निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये कितने भारी भरकम ये वेल फाउंडेशन बना के, और इन पर देखो ये पत्थर रखे हुए हैं, और ये पत्थर रख देने के बाद में फिर ये दो दो मशीनें इसमें से जो मिट्टी हैं वो निकाल रही हैं, और मिट्टी को निकाल रही हैं। जैसे जैसे मिट्टी निकलती जा रही है वैसे वैसे ये वेल फाउंडेशन नीचे धंसता चला जाता है। कुछ इस तरीके से देखो ये ज़मीन के अंदर धंसाया जाता है पानी के अंदर दोस्तों। अब इसका पानी निकलेगा मोटर द्वारा और फिर इसको धंसाया जाएगा। तो जैसे जैसे मिट्टी निकल रही है वैसे वैसे इसको अंदर ज़मीन में ये धंसता चला जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो। ये दो दो यहाँ क्रेन मशीनें लगी हुई हैं, एक इधर क्रेन मशीन लगी हुई है, ये देख सकते हो एक उधर लगी हुई है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये काम किया जाता है। पहले इन्होंने ये मिट्टी डाला है यहाँ पर, और मिट्टी डालने के बाद में तब ये क्रेनें निकल सकें, तो इसी वजह से ये चल रहा है वर्क दोस्तों। देखो एक मशीन ये लगी हुई है जो एफकॉन्स कंपनी द्वारा यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, जो कंपनी यहाँ वर्क कर रही वो है एफकॉन्स दोस्तों। तो इस तरीके से ये वेल फाउंडेशन बनाया जाता है मेरे दोस्तों, ये देख सकते हो ये भी बना दिया है, ये भी बन रहा है, तो अभी इसको दिखाया जाएगा। और देखो यहाँ पर जो स्मेल आ रही है वो बहुत गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि दिल्ली का जितना भी गंदा पानी है, जितना गंदे नाले का पानी है, वो सब इसी यमुना रिवर के अंदर आता है दोस्तों। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है गंदी। देखो कुछ इस तरीके से ये धंस जाता है दोस्तों, देखो ये धंस रहा है ना, ये देख सकते हो ज़मीन कुछ इस तरीके से ये धंस रहा है। देखो ये जो मशीन है वो इसमें से निकाल रही है इस बेल फाउंडेशन को, और ये धंसता चला जा रहा है नीचे ज़मीन में। तो काफ़ी भारी भरकम होता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा वर्क चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये यमुना को खोल दिया जा चुका है, बढ़िया हो काम हो रहा है। अच्छा देखो ये है यहाँ पर, ये लास्ट है देखो। अब इसमें भी ये वेल फाउंडेशन बनाया जा रहा है देख सकते हो, ये लगा रहे हैं यहाँ पे, और फिर इसमें कंक्रीट भर के और इसको
फिर इसमें ये मशीनों द्वारा इसमें से अंदर से मिट्टी निकाली जाएगी, फिर इसको नीचे धसाया जाएगा दोस्तों। जब पूरा बैठ जाएगा फिर इस पर पिलर बनाया जाएगा दोस्तों इसके अंदर। तो कुछ यही नज़ारा है यहाँ का दोस्तों, ये देख सकते हो तस्वीर। तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हो ये यमुना रिवर पर, और जो DND की यमुना, ये DND देखो मेरे पीछे वो DND है, ये देख सकते हो ये DND है। और इसके बगल में ये यमुना रिवर पर RRTS का ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों। ये बेल फाउंडेशन का काम चल रहा है, जो बेल फाउंडेशन में इसमें कंक्रीट भरा जाएगा और कंक्रीट भर के फिर इसको नीचे ज़मीन में धसाया जाएगा। जैसा कि देख सकते हो ये मशीन लगी हुई है जो बेल फाउंडेशन के अंदर से दोस्तों इसको मिट्टी को निकाल रही है, और मिट्टी को निकाल के फिर इस पर ये धसता चला जा रहा है नीचे। जब ये पूरा बैठ जाएगा, पूरा बैठ जाने के बाद में दोस्तों फिर इसमें अंदर पिलर बनाया जाएगा, इसमें फाउंडेशन का काम किया जाएगा, फिर पिलर बना दिया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो यही कुछ नज़ारा है यहाँ का यमुना रिवर का दोस्तों, जो कि यही पार्ट बचा था जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने का और बताने का कोशिश किया दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा।